पिता के बारे में आपने बताया, भगवान जल जल स्वरूप जो है भगवान शिव, तो उनके ऊपर कुछ प्रकार जल, भगवान शिव जो है वो जल तत्व के अधिष्ठात्र देवता है। भगवान शिव की व्यापकता का कहां तक वर्णन किया जाए, आज भी आप देखें जंगल से लेकर मंगल तक भगवान शिव की आभा मिलेगी, भगवान शिव के बड़े बड़े विशाल मंदिर मिलेंगे, बड़े बड़े निर्जन स्थानों में अद्भुत शिवलिंग का दर्शन होगा, और एक लोटा जल चढ़ा करके ही प्रसन्न होने वाले आशुतोष और धर्मदानी कहे जाते हैं भगवान शिव। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके रावण आदि बाणासुर ने इन त्रैलोक्य को जीत लिया। भगवान शिव के तांडव को बनाया था रावण ने, वो इतना विश्व विख्यात हुआ जिसको सुन करके भगवान शंकर ने उसको चंद्रहास खड़ग प्रदान किया था और त्रैलोक्य गामिनी गति प्रदान करी थी। भगवान शिव जैसे हमने गणेश भगवान का थोड़ा वर्णन किया आज भी, वैसे ही भगवान शिव तत्व के उस पर वर्णन करते हैं। अभी जो है गुरु जी आप लोगों को बताएंगे कि शिव परिवार और उसका क्या स्वरूप है, भगवान शिव का जो है किस प्रकार से उनके आयुध इत्यादि और उनका क्या स्वरूप है, इस पर गुरु जी प्रकाश डालेंगे। भगवान शिव परोपकार के मूर्तिमान देवता है, उन्होंने वो करके दिखाया। समुद्र मंथन के समय देवासुर के प्रयत्न के द्वारा जब समुद्र मंथन हो रहा था, सभी अमृत की कामना कर रहे थे, उसी के लिए उद्योग कर रहे थे, तो जब विष उसमें से निकला तो उस विष को कोई भी लेने को तैयार नहीं, तो सारे देवता और असुर पहुंच गए भगवान शिव के कैलाश धाम और कहा, हे जगत पिता, हे जगत जगन्नी माँ जगदम्बा, आप ही माता पिता हो, हम तीनों लोग इससे जले जा रहे हैं, देवगण असुरगण। और आशुतोष जी, शिव ही एक ऐसे महान देवता हैं जिनकी देवता और असुर दोनों आराधना करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्र आए हैं, शरण में आए हैं, तो आपकी सम्मति हो तो हम इस विष का पान करके इन देवों के इस भीषण ज्वाला को विष से मुक्ति दिलाएं। तो माँ जगदम्बा ने कहा कि हे देव, आप तो महादेव हो लेकिन ये सब स्वार्थी हैं, ऐसे पुत्र किस काम के जो अपने पिता को संकट में डाल दें अपने स्वार्थ के लिए। तो भगवान शिव ने कहा, देवी यदि हम ऐसा सोचेंगे तो संसारियों में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा, हमको तो इस विष को पान करके इनका दुख दूर करना, और भगवान शिव ने वो विष पान कर लिया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। मूर्तिमान परमार्थ के देवता है भगवान शिव, इसी कारण महादेव की जो भस्म लगी है, भस्मांगरागत रूप मनोहराय सौम्या वदात वन मासित मासिताय गौरी कटाक्ष नयनार्ध निरीक्षणाय गोक्षीर धार धवलाय नमः शिवाय, ऐसा स्तवन करते हैं कि उनका भस्मांगरागत रूप मनोहराय। भस्म क्या है? भस्म केवल राख ही नहीं है, भस्म एक तत्व है जो संसार में सब कुछ भस्मीभूत होकर तत्व रूप में वो राख ही भस्म रूप में रह जाता है। समस्त ऐश्वर्य और भोगों को भगवान शिव ने भस्म तत्व के रूप में धारण किया, त्याग की प्रतिमूर्ति, सबको लुटा देने वाले भगवान शिव वो भस्म लगाते हैं। कंठ पर नील, नील कंठ हो गया विष पीने से। आशुतोष जी बड़ी अद्भुत महिमा भगवान शिव की है, कंठ में विष है और शीश पे अमृत है, चंद्रमा में अमृत माना जाता है, वो शीश पर वो चंद्र चंद्रमौली भगवान शिव चंद्रमा को धारण किए, चंद्र कला को धारण किए हैं, जहां अमृत है उनके पास, तो विष और अमृत एक साथ धारण करने वाले। धगक 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 ज्वलल ललाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम, धक 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 ज्वाला जल रही है उनके कुश में,
और उसके ऊपर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण और अग्नि अग्नि की ज्वाला जलाते हुए गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथ। गंग की धार भी है, अग्नि ही है, जल भी है। देखें आप भगवान शिव के इस स्वरूप को। वाह क्या बात। भगवान शिव विष अमृत एक साथ धारण किए हैं। द्वंद्व का समन्वय किया जाए ये भगवान शिव सिखाते हैं, सिखा रहे हैं। उनका संकेतिक आप देखिए। और भगवान शिव की विविधता देखिए। गणेश जी का वाहन चूहा बताया गया, मूषक है शिव परिवार में जी। तो उन्होंने गले में सर्प लपेट रखा, जो सर्प मूषक का हार है। वाह ठीक है जी। और सर्प अगर गड़बड़ करे तो खड़मुख जो है स्वामी कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जो सर्प का हार करता है। क्या बात, बहुत दिव्य। बैल नंदी जो धर्म स्वरूप नंदी है, बैल स्वरूप कहे जाते प्रकट स्वरूप, तो उनका वाहन है, तो माँ जगदम्बा का सिंह वाहन है। वाह क्या बात, सिंह एक सिंह और बैल एक साथ कैसे रखा जाए, ये भगवान शिव संदेश देते हैं। एक भगवान शिव अग्नि जल विष और अमृत सर्प और मूषक सर्प और मयूर और वृषभ और सिंह अग्नि और जल भगवान शिव के स्वरूप में इतना मतलब हम मग्न हो जाते हैं। आपने ऐसा एक प्रश्न उठा दिया कि हमको एक दो लाइनें याद आ रही भगवान शिव के लिए जी। कि मूसक पे सांप रखे, सांप पर मोर रखे, आग पर पानी रखे, विष पर अमृत रखे, भूत पर भूत राख है, भूत पर भभूत राख है। वाह 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 क्या बात, क्या बात। और कोई ये सिखाए ये शिव की राजधानी। वाह 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 क्या बात। समन्वय क्या है, समन्वय ये है भगवान शिव भगवान अपने इष्ट भगवान राम के अतिरिक्त कोई उनसे मतलब नहीं। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने हु सती जगतपति जाके, उनके अलावा कोई नहीं। अब जो राम राम हर समय चलेगा वो उद्योग तो कोई कर नहीं सकता, तो परिवार कैसे चले। परिवार में भरण पोषण को चाहिए। और एक एक मुख वाले तो देखो इस संसार की क्या दशा है, चार लोग हैं तो परिवार नहीं चला पाते, षडमुख जैसे पुत्र। हाँ उनके मुखों की गणना बड़ी विचित्र है, इतने इतने मुख, पांच मुख भगवान शंकर के। क्या बात, खुद पंचानन, पित चतुरानन, पूत सदानन, दशानन चेला। अरे वाह जी जी। तो इनकी गति क्या है, लेकिन वाह भगवान शिव जो परमार्थ करता वो कभी भूखों मर सकता है मेरे भाई। भगवती जगत जननी परांबा जगदम्बा साक्षात जिनके वाम भाग में विराजमान है, तो धन का देवता कुबेर उनके चरणों में गिरा हुआ है। अलकापुरी का आदिश्वर भगवान शिव की कृपा से ही उत्तर दिशा के लोकपाल भगवान कुबेर को बनाया और उनको पुष्पमान हुआ। इस त्रिलोकी में जो कुछ भी आशुतोष जी दिया हुआ है वो भगवान शिव का ही प्रदान किया गया है। भगवान शिव को ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को देने वाले भगवान शिव ही हैं। पद्म पुष्प को अर्पित करने के समय उन्होंने इनको प्रदान किया था। तो भगवान शिव बड़े ही इनकी गणना में सारी रात बीत जाएगी। तो जी अच्छा। ये इनका स्वरूप है और ये भोग प्रधान देवता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परीक्षित भगवान महाराज ने प्रश्न किया था कि भगवान शिव के पास कुछ नहीं है तो वो तीनों लोगों के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और गुरुदेव लक्ष्मी साथ नारायण के रहती है, उनका भक्त जो है महान गरीब निर्धन होता है, ऐसा विरोधाभास। तो सुखदेव जी ने कहा था राजन
भगवान शिव जो है वो अहंकार के अधिष्ठात देवता है, ऐश्वर्य अहंकार का प्रतीक होता है। तो जो शिव का करता है तो वो भोग प्रदान करते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, कुछ नहीं है तब वो। और सत्य गुण के प्रधान देवता अधिष्ठात देवता भगवान नारायण है। सत्य गुण में ऐश्वर्य का कोई भोग नहीं। आप सत्कर्म करेंगे तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी, आप त्याग करेंगे तो लक्ष्मी पीछे आएगी, आप भोगों में प्रधान हो जाएंगे तो आपको अहंकार आ जाएगा। तो इस कारण से भगवान शिव ऐश्वर्य प्रदान, और जब उनको मुक्त करना होता है, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अघान कर जहां बस शंभु भवान सो काशी से कसन जरत सकल सुर भ्रंद विषम कर जही पान किय तेहि न बजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरसि। जब उनको तारना है तो वो राम मंत्र देते हैं। तो भुक्त और मुक्ति दोनों के प्रदाता भगवान शिव ही हैं, जो राम के आधार पर तारते हैं और ऐश्वर्य उसको प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान शिव के चरण। अच्छा, जो आपने बताया कि चतुर्थ देवता के रूप में दीप जो ज्योति के प्रकाशक भगवान सूर्य, तो भगवान सूर्य का भी अपना बहुत बड़ा महत्व परंपरा में है। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, जिज्ञासुओं को, आप भगवान सूर्य के स्वरूप और उनकी पूजा और किस प्रकार की जाए, इस पर कुछ प्रकाश जाए, उनका क्या महत्व। आशुतोष जी, अब आप ऐसा प्रश्न करते जो हम अपने भाव को रोक नहीं पाते। ये जो देवता हैं जिनका हमने वर्णन किया है, ये अप्रत्यक्ष देवता हैं।